आज हम सीखेंगे मे और माइट का प्रयोग। मे मतलब होता है सकना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कैन में मे लगा देते हैं और मे में कैन लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सकना तो एक ही शब्द है, अब चाहे मे लगे या कैन लगे, मगर ऐसा नहीं होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे मे का प्रयोग। मे का मतलब होता है सकना। हम इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं, क्या होता है, पहले संभावना, जहां होता है संभावना या पॉसिबिलिटी, जहां संभावना होगा वहां हम लगाते हैं मे। जैसे मान लीजिए इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, इसको हम कहते हैं मे का प्रयोग करते हैं यहां पर, क्योंकि इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। इस तरीके से मान लीजिए ही मे कम टू माई हाउस, दे मे गो टू दिल्ली, जहां संभावना होगा हम वहां लगाते हैं मे। अगला हो सकता है अनुमति, यानी हम कहते हैं परमिशन अंग्रेजी में, परमिशन, इसका बोलता परमिशन से, जैसे मान लीजिए मे आई कमी, ये जो है अनुमति है, हम कह सकते हैं मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर मोबाइल, इस तरीके से जहां आप अनुमति मांगते हैं, मे आई गो, मे आई टॉक, मे आई आस्क, वहां लगता है मे यानी अनुमति के लिए। एक और प्रयोग करते हैं हम इसके लिए मे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं आता है प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप, अंग्रेजी में सकते हैं हम प्रे करो या ब्लेस या विश, हम यहां लगाते हैं मे। जैसे मान लीजिए क्या होता है, मे यू राइज, यह होता है मे यू डाई, आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ो, मे यू डाई, आप मर जाओ, मतलब ये आशीर्वाद है और ये जो है अभिशाप है। तो हम देखते हैं कि मे का प्रयोग हम करते हैं संभावना के लिए, अनुमति के लिए और प्रार्थना या आशीर्वाद के लिए आप मे लगाते हैं। अगला है माइट का प्रयोग। ये जो माइट है, सत्ता था, एक्चुअली माइट का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। जैसे मान लीजिए वह पढ़ सकता था, ही माइट रीड, वह आ सकता था, ही माइट कम, जो संभावना है ये प्रेजेंट में होता है मे लगता है और पास्ट में माइट लगता है। जैसे मान लीजिए इट माइट रेन, इट माइट रेन मतलब हुआ वर्षा हो सकती थी, ये इसका प्रयोग है। और एक प्रयोग होता है नेल्सन में, जैसे ही सेड कॉमा ही मे कम, ही सेड ही मे कम, बोल सकते हैं इसका आंसर बनेगा ही सेड दैट ही माइट कम। तो ये जो माइट हुआ पास्ट टेंस की वजह से हो गया, और इसका प्रयोग कर सकते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। तो यही अंतर है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकें। जय हिंद।